इस सेशन में हम पेज लेआउट के टैब से पेज सेटअप के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नॉर्मली जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होता है उसमें जो पेज अवेलेबल होते हैं उस पेज को हम A4 साइज पेज कह सकते हैं, और अगर इसकी विड्थ और हाइट को देखें तो नॉर्मली ये 8.5x11 इंच का पेज होता है। और कंप्यूटर जब किसी टेक्स्ट को प्रिंट करता है या जब हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो वो आमतौर पर टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से 1-1 इंच का स्पेस छोड़ रहा होता है, और यही इसकी फॉर्मेशन भी है, ब्यूटी भी है। ऑफ कोर्स जब हम अपनी ऑफिस लाइफ के अंदर या स्कूल लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में काम करते हैं या करते थे तो हम भी बिल्कुल पेज के टॉप से स्टार्ट नहीं करते थे और लास्ट तक टाइपिंग नहीं करते थे, बल्कि हम भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट स्पेसिंग छोड़कर ही एक्चुअली प्रिंट आउट या जो भी वर्किंग थी वो किया करते थे, और यही एक्चुअली हैबिट है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो अगर आप अपनी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन को अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो आप मार्जिन के ऑप्शन में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट जो इस वक्त इसके पास मार्जिन सेट हुई भी है वो नॉर्मल के नाम से है और ये बता रहा है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में 1-1 इंच का स्पेस है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें, लेट अज्यूम करें कि मैं यहां से नैरो को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो नैरो में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0.5 इंच का स्पेस दिया हुआ है। जस्ट मैंने क्लिक किया, आप देखें कम से कम जगह ये टॉप बॉटम से छोड़ रहा है और ज्यादा ज्यादा टेक्स्ट को ये फिक्स कर रहा है। अगर मैं नैरो की जगह लाइक मॉडरेट को सेलेक्ट कर लेता हूं तो मॉडरेट में टॉप बॉटम से 1-1 इंच है जबकि लेफ्ट और राइट से 0.75 का स्पेस मौजूद है। तो कुछ बनी बनाई लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की स्पेसिंग है, आप अगर उसको यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। समटाइम हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि लेटर या डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है लेकिन कंपनी के लेटर हेड पे निकालना है, और आमतौर पे कंपनी के लेटर हेड पे जो कंपनी का नाम और अगर उसका एड्रेस है तो वो तकरीबन 2.5 इंच तक ऊपर एरिया रिजर्व्ड होता है। तो इसका मतलब है कि अब जब आपने प्रिंट आउट निकालना है तो 2.5 इंच तो कम अज कम आपने छोड़नी है और उसके बाद आपने प्रिंट आउट निकालना है। तो उसके लिए यहां पर देखें कोई एरिया ऐसा नहीं है जो ये आपको बताए कि टॉप से 2.5 इंच है और फिर बाकी लेफ्ट राइट एंड बॉटम से 1-1 इंच है या 0.5 इंच है, ऐसा नहीं है। तो आपको अपनी कस्टमाइज मार्जिन को खुद सेट करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए आप कस्टम मार्जिन के ऑप्शन में आ जाते हैं और मार्जिन जो यहां पर टॉप पे 1 इंच है इसको बढ़ाकर 2 या 2.5 जितना भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। और नॉट ओनली टॉप मार्जिन, अगर आप बॉटम लेफ्ट और राइट मार्जिन को भी बढ़ाना और कम करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, और जो भी एक्टिविटी आप यहां पर परफॉर्म करेंगे आपको उसका प्रीव्यू यहां देर एंड देर नजर आएगा। सो मैंने एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी की, टॉप से मार्जिन जो है वो 2.5 दे दिया, बॉटम और लेफ्ट और राइट पर वैसे ही रहने दिया जैसे यहां पर ऑलरेडी मौजूद था। आप देख सकते हैं प्रीव्यू ने मुझे बताया कि टॉप से तकरीबन 2.5 इंच छोड़ के डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं। आप देखें मैंने एक एरिया रिजर्व कर लिया लेटर हेड के लिए कंपनी के नाम के लिए, और जब मैं प्रिंट निकालूंगा तो ऑफकोर्स इतना एरिया छोड़ के वो आसानी से प्रिंट आउट निकालेगा। नॉर्मली हम लोग जो पेज यूज कर रहे होते हैं उसकी जो पोजीशन होती है ये प्रोटेट कहलाती है, ठीक है। A4 साइज का स्ट्रेट पेज, मैं इसकी जूम को कम कर देता हूं, आपको दिखाता हूं, ये देखें ये प्रोटेट पेज कहलाता है। लेकिन समटाइम हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है कि जो प्रोटेट पे ठीक से प्रिंट नहीं आ सकता, उस पेज की ओरिएंटेशन को हम लैंडस्केप कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अपनी लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने का तरीका देखा था, हमने स्मार्ट आर्ट यूज करने के तरीके देखे थे। समटाइम कुछ ऐसे फ्लायर्स या अनाउंसमेंट या चीजें डिजाइन होती हैं जो कि लैंडस्केप फॉर्म के अंदर हमें चाहिए होती है। तो हम पेज की ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहें तो पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ ओरिएंटेशन से हम लैंडस्केप कर देते हैं। तो आप देखें पेज 1 और पेज 2 और जितने भी पेजेस हमारे वो तमाम लैंडस्केप हो गए। और अगर मुझे इसे दोबारा से ठीक करना है तो सेम मैंने ओरिएंटेशन में जाकर इसे प्रोटेट कर दिया, ये दोबारा से ठीक हो गया। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से पेज की मार्जिन को रखना चाहते हैं। आमतौर पे जो पेज हम यूज करते हैं मैंने बताया कि वो A4 साइज पेज कहलाता है और उसकी विड्थ और हाइट 8.5x11 इंच होती है। लेकिन अगर आप पेज की साइज को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट साइजेस के पेजेस आपके पास अवेलेबल है, आप इनमें से जो भी पेज साइज लेना चाहें वो ले सकते हैं। समटाइम हमें जो लेटर हमने टाइप किया है उस लेटर का प्रिंट आउट लेने के बाद जिस एनवलप में हम उसे पोस्ट करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि एनवलप के ऊपर एड्रेस भी कंप्यूटर से हम प्रिंट आउट की फॉर्म में लें, प्रिंटर से हम प्रिंट आउट के फॉर्म में लें, तो आप एनवलप की मार्जिन्स भी यहां पर पेपर साइज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इवन आप अपनी मर्जी की पेज साइज अगर डिफाइन करना चाहें तो आप मोर में चले जाते हैं और यहां पर देखें पेपर साइज जो A4 साइज लेटर साइज कहला रही है, अगर आप अपनी मर्जी से कस्टम साइज देना चाहते हैं
तो कस्टम साइज में चले जाते हैं और यहाँ विड्थ और हाइट को अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं। डेफिनेटली वो आपका अपना कस्टमाइज पेज है एंड देन आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यानी खासतौर पर जरूरत पड़ती है एनवेलप्स के लिए। तो पेपर की या एनवेलप की साइज को कैसे चेक किया जाएगा? डेफिनेटली आप स्केल लेंगे, स्केल की मदद से पेपर और जो एनवेलप है आपके पास उसकी विड्थ और हाइट को आप एग्जैक्टली चेक करेंगे और वही विड्थ और हाइट यहाँ पर आप डिफाइन करके ओके करेंगे तो वो पोजीशन आपके पास अवेलेबल होगी। उतना ही आपके पास एरिया अवेलेबल होगा जितना कि आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं। एनवेलप लगाइए, प्रिंट की कमांड दें, एग्जैक्टली पेपर जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो उस एनवेलप के ऊपर प्रिंट आ जाएगी। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट एक कॉलम की जगह मल्टीपल कॉलम्स के अंदर हमें चाहिए होता है। देखिए जो हम लोग टाइपिंग करते हैं वो एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर टाइपिंग होती है, हम कह सकते हैं कि ये कॉलम के अंदर प्रिंटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर स्टाइल को देखें तो उसमें आपको पता होगा कि मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर भी मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें दो कॉलम्स होने चाहिए या अगर ज़रूरत है उससे ज़्यादा कॉलम्स की, तो मैं उन कॉलम्स को यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकूँ। तो ऐसा करने के लिए हम कॉलम के ऑप्शन पर चले जाते हैं और यहाँ पर देखें 1, 2, 3 और लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में क्या है कि आपकी लेफ्ट पर एक स्मॉल कॉलम है और राइट साइड पर मैक्सिमम स्पेस दिया हुआ है कॉलम के लिए। तो आप कह सकते हैं स्कूल के अंदर अगर वर्कशीट्स क्रिएट हम करते हैं, टीचर्स जो बनाते हैं वो वन साइड पे वर्ड्स लिख दें, सेकंड साइड पे स्पेस छोड़ते हैं, बच्चे जो है वो उनके सेंटेंसेस बनाएंगे, तो शायद उन्हें लेफ्ट एरिया कॉलम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो ये एज पर नीड है। फिलहाल मैंने यहाँ से टू कॉलम को सेलेक्ट किया। आप देखें मेरे पास रूलर से पता चल रहा है कि ये मेरा कॉलम वन है और ये मेरा कॉलम टू है। अफकोर्स जब कॉलम वन पे इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, ये पूरा कॉलम जब रिजर्व हो जाएगा यानी फिर टाइपिंग हो जाएगी, तो फिर कॉलम टू पे टाइपिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। जस्ट मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया है कंट्रोल सी और कर्सर को लास्ट पोजिशन पर रखकर मैंने पेस्ट कर दिया। 4-5 दफा मैं पेस्ट करता हूँ और आप देखें जैसे ही मेरा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिकली टाइपिंग जो है वो सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो गई और फिर मैं डेफिनेटली सारी एक्टिविटी मतलब नॉर्मली टू कॉलम्स से कर सकता हूँ। अगर मुझे इन टू कॉलम्स को खत्म करके इसे दोबारा वन कॉलम में लाना है या थ्री कॉलम्स में लाना है तो हम अगेन कॉलम्स में जाएंगे और यहां से वन कॉलम या थ्री कॉलम जो भी हमें चाहिए उस तरह से अपने एरिया को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इसे ठीक करना चाहता हूं, सो मैंने यहां पर वन कॉलम कर दिया, ये डेटा मेरा वन कॉलम के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास ब्रेक से रिलेट है। लास्ट सेशन जो आपने अगर मेरी हेडर एंड फूटर्स की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन ब्रेक की इंपॉर्टेंस। यहां पर भी मैं आपको एक दफा दोबारा से एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर सपोज करें कि ये मेरा रोटेट पेज है और इस पे इंफॉर्मेशन मेरी टू कॉलम्स के अंदर है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट मेरे पास लैंडस्केप आ जाए और उसमें ये दो कॉलम्स ना हो बल्कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास पेज वन ही है, दूसरा पेज भी नहीं है। ऐसा करने के लिए मैं ब्रेक में चला जाता हूं और यहां से मैंने सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देखें मेरे पास पेज टू क्रिएट हो गया। इस पेज टू पर अभी भी स्टिल आप देख सकते हैं कॉलम की दो कॉलम्स बने हुए। तो सबसे पहले मैं कॉलम पे जा रहा हूं और इसे वन कॉलम कर देता हूं। जैसे मैंने वन कॉलम किया आप देखें सिर्फ पेज टू पर इसका इंपैक्ट क्रिएट हुआ, पेज वन पर अभी भी दोनों कॉलम्स मेरे मौजूद हैं आप देख सकते हैं। पेज टू पर मुझे पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है, सो मैं ओरिएंटेशन में चला जाता हूं और यहां से लैंडस्केप कर दिया। ये देखें पेज वन मेरा प्रोटेट है, पेज टू मेरा लैंडस्केप है। और पेज टू पर रहते हुए मैं इंसर्ट में और स्मार्ट आर्ट में फॉर एग्जांपल एक डमी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का पैटर्न ले लेता हूं। यहां पर मेरे पास पैटर्न आ गया, अब मैं इन्फॉर्मेशन यहां पर फिट कर सकता हूं। सपोज करें कि मुझे पेज थ्री अब की बार दोबारा प्रोटेट चाहिए और उस पर मैं अब दोबारा से नॉर्मल काम करूं। सो मैंने पेज लेआउट में जाकर ब्रेक्स में आकर नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक में से नेक्स्ट पेज पर क्लिक किया, ये मेरे पास एक नेक्स्ट पेज क्रिएट हुआ, लेकिन ये अभी स्टिल जो है लैंडस्केप है। सो मैं ओरिएंटेशन में चला जाता हूं और यहां से मैं प्रोटेट कर देता हूं। आप देखें ये लैंडस्केप में आ गया और जो भी वर्किंग अब मुझे यहां करनी है, लेट सपोज करें मुझे कुछ पैराग्राफ टाइप करने, तो मैं उन पैराग्राफ को नॉर्मली टाइप कर सकता हूं। तो वो लोग जो कि अपने पेजेस के हेडर फुटर डिफरेंट रखना चाहते हैं, पेज के ओरिएंटेशन को डिफरेंट रखना चाहते हैं, उसमें डिफरेंट कॉलम्स यूज करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उसका इंपैक्ट किसी दूसरे पेज पर ना आए और पेजेस आपके डिफरेंट हो जाए, तो ऐसा करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि वो पेज लेआउट में ब्रेक्स में जाकर सेक्शन ब्रेक कर दें नेक्स्ट पेज को और फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट पेज उनके पास क्रिएट होता है उस पर वो एक्टिविटी नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं।
पेज ब्रेक के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो एक्चुअली ब्रेक का है, ब्रेक सॉरी पेज का है। पेज क्या करेगा कि आपके कर्सर जहां पर भी है, लेट अज्यूम करें कि मेरा कर्सर इस जगह पर है और मैं ये चाहता हूं कि यहां से नीचे कर्सर के नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पेज पे चली जाए। तो मैंने लास्ट सेशन में आपको कहीं बताया था कि आप कंट्रोल इंटर कर दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कर्सर के नीचे मौजूद है वो नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी, या फिर आप ब्रेक्स में जाकर यहां पर पेज पे क्लिक कर दें, पेज ब्रेक्स, पेज पे क्लिक किया आप देखें वो सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे चली गई। और अगर आप इनको दोबारा मर्ज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाएंगे आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा आपकी मर्ज हो जाएगी और डाटा आपको उसी तरह से नजर आएगा जिस तरह से एक्चुअल उसकी पोजिशन है। लास्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन नंबर। अगर आप चाहते हैं कि हर एक का लाइन नंबर आपके पास अवेलेबल हो तो आप कंटिन्यूस पे क्लिक कर दें, आप देखें तमाम लाइनों को वो एक नंबर दे रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कितने सेंटेंसेस यहां पर यूज हुए या कितनी लाइनों के अंदर हमने वर्किंग की है। और अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि लाइन नंबर खत्म हो जाए तो लाइन नंबर पर जाकर नन के बटन पर क्लिक करते हैं, ये तमाम लाइन्स खत्म हो जाती हैं।